Hey everyone, this is Archer and you welcome to my channel Classic Arts. So, जब तक दिवाली ख़त्म नहीं हो जाती तब तक हम भी दिवाली रिकॉर्ड DIYs बनाते रहेंगे. So, ये है पार्ट 3. मैंने दिवाली रिकॉर्ड DIYs का पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा जाकर. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग DIYs है और बहुत ही इजी हैं, और सबसे बेस्ट बात है कि ये आउट ऑफ वेस्ट है, तो आपको बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो अपने फर्स्ट DIY के लिए मैं ये वेस्ट बॉटल का यूज़ करूँगी, और इसके ऊपर मैं यहाँ पे सिरेमिक कोन यूज़ कर रही हूँ. तो अगर आपके पास सिरेमिक कोन नहीं है तो आप सिंपल किसी भी 3D कोन का यूज़ कर सकते हैं. तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे पिचवाई डिज़ाइन बना रही हूँ, बहुत ही सिंपल और इजी सी है, तो कोई भी इसे ईजिली रिक्रिएट कर सकता है. सिंपल सा लोटस फ्लावर बनाया है और कुछ लीव्स बना दी है, और इसे ड्राई होने के लिए रख दिया है. तो इसे अच्छी तरह से ड्राई हो जाने दीजिएगा, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे. तो ये अभी अच्छे से ड्राई हो गया है. अभी मैं यहाँ पर मेरे पास है ग्लास कलर, तो मैं इनका यूज करूंगी. तो इनके ऊपर मैं ग्लास कलर अप्लाई करूंगी. तो हमने पहले ही 3D कोन का यूज किया था, तो ग्लास कलर अप्लाई करना बहुत ही इजी हो गया है. तो इसमें एक बात आप याद रखिएगा, आप जब भी एक साइड पर कलर अप्लाई करें तो दूसरी साइड पर कलर अप्लाई करने से पहले आप उसे कम्प्लीटली ड्राई होने दीजिए, वरना होगा क्या कि आपका कलर ड्राई नहीं होगा और आप दूसरी तरफ कलर करेंगे तो वो फैल जाएगा, तो आपका ये पूरा वर्क बेकार हो जाएगा. तो इसके लिए आप एक काम करिएगा कि जब आप कलर अप्लाई करें तो उसके ऊपर हेयर ड्रायर यूज़ कर दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा. तो उससे कम्प्लीटली ड्राई तो नहीं होगा, बट हाँ उसके ऊपर की लेयर थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी, तो जब आप दूसरी साइड कलर करेंगे तो वो फैलेगा नहीं और आपका काम थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इसे ड्राई होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है. सो अभी ये कम्प्लीटली ड्राई हो गया है, मैंने इसे ओवरनाइट ड्राई होने के लिए रख दिया था. तो ये ड्राई होने के बाद मैं यहाँ पर ये गोल्डन कलर का 3D कोन यूज़ करूँगी और सिंपल से इसे कुछ हाईलाइटिंग करूँगी. तो सिंपली लाइनिंग एंड कुछ डॉट से ही मैं इसे हाईलाइट कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, बट इतने से ही ये बहुत ही अच्छा लग रहा था. तो अभी ये भी ड्राई हो गया है, बट ये ट्रांसपेरेंट है तो कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा था, इसीलिए मैंने इसके ऊपर गोल्डन कलर फिल कर दिया. तो मैंने भर भर के गोल्डन कलर भर दिया इसके अंदर, तो ब्रश से नहीं हो रहा था इसीलिए मैंने एक स्पून का यूज़ किया और उसने इसके अंदर कलर फिल कर दिया, और बॉटल को अच्छे से रोटेट कर दिया था ताकि कलर चारों तरफ लग जाए. तो ये हो गया था, और अभी जो भी हमने पैटर्न बनाया है ना वो विजुअल हो रहा है, अच्छे से दिख रहा है, खिलकर आ रहा है एंड बहुत ही प्यारा लग रहा था. तो इस कलर को ड्राई होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा था, क्योंकि ये बॉटल के अंदर हमने फिल किया है, तो इसे 1-2 दिन लग गया था ड्राई होने में, बट ये बहुत अच्छा लग रहा था. सो अपने सेकेंड DIY के लिए मैं ये कार्डबोर्ड की ट्यूब यूज़ कर रही हूँ. तो ये जो पार्टी बॉम्ब होता है ये वो है, तो उसका ये पार्ट जो होता है वो मैंने कट करके अलग कर लिया था. तो अभी इसके ऊपर की ये पन्नी भी मैं हटा कर इसे क्लीन कर लूँगी. तो इसे हो जाने के बाद मैं इसके ऊपर टिश्यू पेपर चिपका दूंगी. तो उसके लिए सबसे पहले तो मैंने वाटर एंड ग्लू का एक सॉल्यूशन बनाया और उसके साथ में मैंने ये टिश्यू पेपर को चिपका दिया. तो अच्छे से दोनों ट्यूब में चिपका दिया है और उसे ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था. तो ये कम्प्लीटली ड्राई हो गए हैं, अभी हम इसके ऊपर कलरिंग स्टार्ट करेंगे. तो हम इसके ऊपर ढेर सारे सतरंगी अतरंगी कलर यूज़ करेंगे, तो इसे काफ़ी कलरफुल बनाएंगे और बहुत ही चटकीले भटकीले कलर का यूज़ करेंगे, क्योंकि दिवाली है तो ऑब्वियसली मतलब इन सब कलर का ही यूज़ करेंगे, तभी तो अच्छे DIYs क्रिएट होंगे. तो इसीलिए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर का यूज़ किया मैंने यहाँ पर. तो दोनों ट्यूब में मैंने एक ही तरह का डिज़ाइन बनाया था, बहुत ही ईजी एंड सिंपल सा डिज़ाइन है, और इसे ड्राई होने के लिए रख दिया था.
तो ये ड्राई हो गया है। ड्राई होने के बाद इनकी आउटलाइनिंग के लिए मैंने यहाँ पर ब्लैक मार्कर का यूज़ किया था। आप चाहे तो इसकी जगह पे एक्रेलिक कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा क्विक काम हो जाएगा। ये होने के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी हाइलाइटिंग की है 3D कोन का यूज़ करके, बहुत ही ईजी एंड सिंपल सी है। तो ये हो गया है कंप्लीट और ड्राई हो गया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर ये दो मेरे पास बाउल है, वेस्ट है ये भी बाउल, तो मैंने इसे ग्लू गन की हेल्प से इन ट्यूब में चिपका दिया था। तो ये चिपक गए हैं अच्छी तरह से, और इनके चिपकने के बाद ये कुछ ऐसे लग रहे हैं। और अभी मैंने इनके ऊपर कुछ पॉम पॉम बॉल्स है उन्हें चिपका दिया था ताकि थोड़े से अच्छे लगे। और इसके बाद मैंने वार्निश अप्लाई करी, तो वार्निश अप्लाई ज़रूर करिएगा, उसके बाद इसमें जो शाइनिंग आती है ना वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे और बहुत ही ईजी है। तो अपने थर्ड DIY के लिए मैं ये वेस्ट प्लाईवुड का यूज़ करूँगी। तो अभी इसके बाद मैंने यहाँ पर ये क्ले लिया है और इसे मिक्स कर लूँगी। तो मिक्स करने के बाद मैंने इसका एक पार्ट लिया है और उसकी एक डोरी बना रही है रोल रोल करके। तो इसके इस डोरी को मैं इस प्लाईवुड के एज पर चिपका दूँगी, एक बाउंड्री क्रिएट करूँगी। तो ऐसे ही मैं चारों तरफ करूँगी और इसके साथ में मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से इसका डिज़ाइन दूंगी, तो इसे जो इसमें गैप दिख रहा है ना वो फिल हो जाएगा। और इसे स्मूथ करने के लिए सिंपली टैलकम पाउडर को आप अपने फिंगर में लेकर इसको रफ कर दीजिए तो इसका सरफेस स्मूथ हो जाएगा। तो ये ड्राई हो गया है। इसके ड्राई होने के बाद मैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट शेप के मिरर्स यूज़ करूँगी और इसे इस पर चिपका दूँगी। आपके पास जिस भी शेप एंड साइज के मिरर हो आप उसका यूज़ करके इसमें कोई भी पैटर्न बना सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो मिरर जिस भी साइज के। सो इन्हें चिपकाने के बाद इन्हें कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए ज़रूर छोड़ दीजिएगा। सो इनके ड्राई हो जाने के बाद ही हम इसके आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो अभी अच्छे से ड्राई हो गए हैं और इसके बाद अभी मैं यहाँ पर ये एक्रेलिक वॉल पुट्टी ले रही हूँ और जितनी ज़रूरत होगी मैं उतना ही इसमें निकाल लूँगी। ये निकालने के बाद अभी मैं इस पर फैब्रिक कलर ऐड करूँगी, तो आप जिस भी कलर का चाहते हैं आप वो कलर इसमें ऐड कर सकते हैं और इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो मिरर वर्क हमने किया था उसके ऊपर हम इस पेस्ट को अप्लाई कर देंगे। तो ये है मोज़ेक वर्क, तो बहुत ही इजी और सिंपल सा है और बहुत ही इजी है, बहुत ही अच्छा लगता है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपके पास ये एक्रेलिक वॉल पुट्टी नहीं है तो आप जो वॉल पुट्टी पाउडर आता है उसका पेस्ट बना लीजिए और उसमें कोई भी कलर ऐड कर दीजिए अपनी पसंद का। तो मैंने पहले ही बोला था कि मिरर्स को अच्छे से ड्राई होने दीजिएगा, इसीलिए बोला था क्योंकि हमें उसके ऊपर ये पेस्ट अप्लाई करना था। तो अगर मिरर ड्राई नहीं होंगे और हम ये पेस्ट अप्लाई करेंगे तो वो मिरर अपनी जगह से इधर उधर हो जाएंगे और ये अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो अभी इसका सरफेस स्मूथ करने के लिए मैंने इसके ऊपर पानी लगा कर इसका सरफेस स्मूथ कर दिया है और इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। तो ये ड्राई हो गया है, तो अब हम मिरर क्लीन करेंगे। तो उसके लिए मैंने स्पंज को गीला कर लिया था और इन मिरर के ऊपर रब करेंगे तो जितने भी मिरर्स पे पेस्ट लगा हुआ है तो वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी है और बहुत ही जल्दी हो जाएगा ये काम भी, बट उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा ना वो देखने लायक होगा। तो ये मैंने पूरा कर लिया था क्लीन। क्लीन करने के बाद जो इसमें बाउंड्री बनाई थी हमने क्ले से उसके ऊपर मैंने गोल्डन कलर अप्लाई कर दिया था तो इसका लुक थोड़ा और अच्छा लगेगा। तो ये मैंने बाउंड्री पर भी लगाया था और इसके बैक साइड पर भी लगा दिया था ताकि जो प्लाईवुड दिख रहा है वो कवर हो जाए, तो वो अच्छा वैसे भी नहीं लगता इसीलिए। और इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था।
तो ड्राई होने के बाद अभी मैं यहाँ पर ये एक्रेलिक बॉटल्स हैं उनके कैप यूज़ करूँगी। तो इन कैप को मैं ग्लूगन की हेल्प से इसके ट्रे के चारों ओर लगा लूँगी, तो ये ट्रे के लेग बन जाएंगे, तो इससे थोड़ी सी हाइट मिल जाएगी ट्रे को, तो और अच्छा लगेगा इसका लुक। तो ये कुछ इस तरह से लग रही है और ये बहुत प्यारी लग रही थी। तो अभी अपने लास्ट DIY के लिए मैं ये कार्डबोर्ड का यूज़ करूँगी। तो इसके ऊपर मैंने ये बर्ड का डिज़ाइन बनाया है, तो उसे मैं कट कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे ये 4 पीस कट किए हैं, तो अभी मैंने 2 पीस को चिपका कर उनके एजेस पर मास्किंग टेप चिपका दूँगी। तो अच्छे से मास्किंग टेप चिपका देंगे जिससे इनके एजेस थोड़े क्लियर हो जाएंगे, अच्छे लगेंगे। तो ये हो जाने के बाद जो हमने पेस्ट बनाया था वॉल पुट्टी का, तो अभी मैं उसे भी यूज़ करूँगी क्योंकि ये पेस्ट थोड़ा सा बच गया था और मैं इसे वेस्ट नहीं करना चाहती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा DIY बनाए जिसमें ये पेस्ट भी यूज़ हो जाए और DIY भी एक बन जाएगा। तो ये पेस्ट मैंने पूरे कार्डबोर्ड के ऊपर अप्लाई कर दिया है और अभी इसके सरफेस को स्मूथ करने के लिए मैंने पानी का यूज़ किया है। तो पूरे पानी को अपने फिंगर में लगाकर इसे अच्छे से सरफेस को स्मूथ करके रख दिया था ड्राई होने के लिए। तो ड्राई होने के बाद अभी मैं इस चैन से इसे डेकोर करूँगी, तो इस चैन को इसके किनारे लगा दूँगी। तो ये होने के बाद मेरे पास ये कुछ डिफरेंट शेप एंड साइज़ के कुंदन्स है, तो इन कुंदन से भी मैं इसे डेकोर कर लूँगी। तो ये कंप्लीट हो गया है और बड़ा प्यारा लग रहा था ये। तो ये ऐसे ही मैं दूसरे के साथ भी कर लूँगी। तो इन दोनों के कंप्लीट होने के बाद मैंने यहाँ पर एक राउंड शेप के कार्डबोर्ड के ऊपर भी इस पेस्ट को अप्लाई कर दिया था, तो इसके ऊपर भी मैं ये कुंदन लगा लूँगी और इसका एक और पीस बनाऊँगी। तो ये दोनों पीस भी रेडी हो गए हैं, तो अभी मैं इन्हें असेंबल कर लूँगी। तो मैंने कुछ मोती इसमें लगा दिए हैं, तो ये बड़ा प्यारा लग रहा था और बड़ा ही सिंपल सा है। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा इसे और मुझे भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को हिट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियोस लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। सो मिलते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट से भरे ऐसे ही किसी न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।